सो गाइस, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया यहाँ पे। ये जो मंदिर है ये ज्योतिबा मंदिर नहीं है, हमको और ऊपर जाना था। तो अच्छा हो गया मैंने किसी से पूछ लिया, तो उन्होंने बताया कि और ऊपर जाना पड़ेगा। लेफ्ट में अंदर आ चुके हैं, यहाँ से 15 किलोमीटर दिखा रहा था ज्योतिबा, और यहाँ से शायद से ये पहाड़ की चढ़ाई है। ज्योतिबा भी मैं पहली बार जा रहा हूँ। एरिया काफी खूबसूरत है, देख सकते हो। रोड ऑल्सो गुड, चारों तरफ ग्रीनरी है। ओहो, क्या जबरदस्त है। सो गाइस, अभी ये चढ़ाई शुरू हो चुकी है पहाड़ की। यहाँ से 2 किलोमीटर है ज्योतिबा दिखा रहा है, और पनाड़ा है आगे, वहीं पे 13 किलोमीटर। दिख रहा है यहाँ से जो व्यू जबरदस्त है। अभी यहाँ पे बादल आए हैं, और राइट में आप देख सकते हैं वहां पे धूप है। तो गाइस, हम पहुंच गए ज्योतिबा। काफी भीड़ है यहाँ पे। सो गाइस, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया यहाँ पे। ये जो मंदिर है ये ज्योतिबा मंदिर नहीं है, हमको और ऊपर जाना था। काफ़ी लोग यहाँ पे खड़े थे, तो मुझे लगा यही है। तो अभी हम वापस ऊपर जा रहे हैं। तो अच्छा हो गया मैंने किसी से पूछ लिया, तो उन्होंने बताया कि और ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ से सीढ़ियाँ शुरू होती है चलने वालों के लिए, लेकिन ऊपर गाड़ी जाती है। तो चलो चलते हैं। इस देख सकते हो यहाँ पे इतनी गाड़ियाँ लगी है, बहुत भीड़ रहेगी। चलो हम देखते हैं कैसे दर्शन हो रहा है यहाँ पे, नहीं तो कोई ऑप्शन नहीं है, बाहर से ही कर लेंगे दर्शन। हाँ, लेकिन मंदिर आपको ज़रूर दिखाएंगे कहाँ है, कैसे है। पीछे एक बड़ा ग्राउंड भरा हुआ है पूरी गाड़ियों से। यहाँ पे आप देखोगे दोनों तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ लगी हुई है। तो भाई, तभी हम मंदिर के मेन द्वार से अंदर आ चुके हैं। ये सामने जो देख रहे हैं, ये अभी ये पेड़ आ रहा है बीच में, मैं आपको दिखाता हूँ, इसके पीछे मंदिर है। एंट्री भी आप देखोगे तो ग्रैंड एंट्री लग रही है, पूरा पत्थर का काम है। दिस इज दक्कन सा राजा, दैट मीन्स डेक्कन के राजा ज्योतिबा। ये शिवजी का ही रूप है, जैसे खंडोबा है वैसी ये भी शिवजी का रूप है। तो मुझे पता चल गया कि काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे भी मुख दर्शन लेंगे और फिर यहाँ से निकलते हैं। तो चलो हम आगे चलते हैं, आपको बताता हूँ मैं आगे क्या है। दरवाजे से अंदर आने के बाद ये नीचे सीढ़ियाँ नीचे जाती है, तो मंदिर इसका नीचे है। ये पूरी पत्थर की सीढ़ियाँ आप देख सकते हो, भीड़ काफ़ी है दोस्तों। दोनों तरफ दुकान खचाखच भरे हुए हैं, मतलब पूजे का जो सामग्री है वो सब मिलता है, बच्चे के खिलौने हैं, तो टीड़ा वगैरह कोल्ड ड्रिंक, काफ़ी सारे दुकान है यहाँ पे। तो गाइस, आप देख रहे हो सामने ये मंदिर है, और आप देखो कि ये जो भक्त लोग हैं इनके सर पे ये पर्पल कलर का, जैसे लाल वगैरह लगाते सिंदूर या तो फिर कुमकुम या हल्दी, वैसे ज्योतिबा को ये पर्पल कलर का लगाया जाता है। अभी इसका नाम एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं क्या है, बट आप देख सकते हो ये पर्पल है। राइट, एंट्रिंग दी गेट, ये आखिरी गेट है एंट्री के लिए। गाइस, आप देख सकते हो मंदिर कितना भव्य है, जैसे महालक्ष्मी का मंदिर है कोल्हापुर का, वैसे ये काफी प्राचीन मंदिर लग रहा है, पूरा पत्थर का बना हुआ है। तो भाई, हमने यहीं से दर्शन ले लिए, क्योंकि अंदर जाने के लिए काफी भीड़ है।
गई, अभी हमने मुख्य दर्शन ले लिया है और काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। अभी हम एक काम करते हैं, अभी एक प्रदक्षिणा करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। दोपहर के 2:30 बज चुके हैं और दर्शन हो गए। अभी बस बचा है से पनाड़ा, तो हम लोग पनाड़ा जाएंगे। अभी यहाँ से हम लोग खाना पनाड़ा में ही खाएंगे, क्योंकि अफजान भाई जो हमें मिले थे सुबह, उन्होंने कहा कि वहाँ पे आपको खाना बहुत अच्छा मिलेगा, तो इसीलिए मैं थोड़ा डिले किया। चलो ठीक है, 2:30 हो गए। पनाड़ा पहुँचते पहुँचते और 15-20 मिनट लगेंगे, आधा घंटा लगेगा मैक्स। वहाँ पर पहुँचते हैं, पहले खाना खाते हैं, बाद में जो भी है वहाँ पे वो देखेंगे। तो भाई सभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, आप देख सकते हो आसमान में पूरे बादल छाए हुए हैं, अच्छा लग रहा है। इसी वजह से छाव आ गई है, काफ़ी धूप थी कभी से। चल जरा दूसरी तरफ से आए थे और अभी हम अपोजिट तरफ जा रहे हैं। जिनसे हमने प्रसाद का सामान लिया था, उन्होंने कहा यहीं से आप आगे जाओ, वहाँ पे आगे आप 2 किलोमीटर पे एक बोर्ड मिलेगा जो आपको बताएगा पनाड़ा किस तरफ पड़ता है। वैसे ये जो भी है सामने काफी खूबसूरत है, पता नहीं ये क्या है। हम लोग ऐसे ही एक राउंड मारते हैं। ऐसे ये होटल रहेगा जो बंद है। अरे हाँ, दिस इज MTDC प्रॉपर्टी, महाराष्ट्र टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। देखिए सो ब्यूटीफुल। अच्छा हो गया मैं ऊपर आ गया। सो गाइस आप देख सकते हो ये कितना खूबसूरत है। सो गाइस ये है MTDC का रिजॉर्ट ज्योतिबा में, और इसका बैकग्राउंड देखोगे, इसका लोकेशन। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो चलो गाइस यहाँ पे हमने थोड़ा सा शूट किया और ये अभी हम जा रहे हैं रिटर्न।
तो अभी सीधा हम पनाला में मिलेंगे। यहाँ पे इतना ये एरिया इतना खूबसूरत है ना, मतलब समझ भी नहीं आता कि क्या दिखाऊँ, ये दिखाऊँ कि वो दिखाऊँ। तो मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो क्या होता है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो छोटा वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे जगह हैं स्पॉट्स है, क्योंकि आज अगर मैं दिन में 3-4 जगह जा रहा हूँ तो 15-20 मिनट के नीचे का वीडियो बनेगा ही नहीं। वो सुबह से अभी हम वहाँ से 2 किलोमीटर आगे आने के बाद ये एक राइट है जो पन्हाड़ा जाता है, आठ से 10 किलोमीटर होगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा यहाँ से। अब देख सकते हो, दिस इज सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। यहाँ से पन्हाड़ा है 7 किलोमीटर। कुछ 10 से 15 मिनट लगने चाहिए हमको। तो गाइस ये बहुत बहुत खूबसूरत है, देख सकते हो अभी धूप निकली है तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ हैं पुराने। अब देखिए ये देखिए, यहाँ पे काफ़ी सारे होम स्टेज वगैरह भी अवेलेबल हैं, मैं देख रहा हूँ आसपास में दोनों तरफ। तो नेक्स्ट टाइम अभी अगर हम आएंगे कोल्हापुर फैमिली के साथ, इट विल नॉट बी अ डेज पिकनिक, बिकॉज यूजली हम लोग कोल्हापुर आते हैं तो बस दर्शन लेते हैं माता मंदिर में एंड देन वी गो अहेड। और इस बार भी मैं यही करने वाला था, और थैंक्स टू अफजान भाई जिनकी वजह से मैं रुका यहाँ पर। तो गाइस एक सेकेंड पॉइंट था, उसके भी हम आगे आगे आए हैं। हमने किसी को पूछा, उन्होंने कहा इस तरफ जाओ, अभी देखते हैं, आई एम नॉट श्योर। यहाँ पे कोई भी नहीं है किससे पूछें। तो गाइस हम वापस जा रहे हैं, एक बुज़ुर्ग हमको मिले, उन्होंने कहा कि वहाँ पे बाजी प्रभु उनका स्टैचू है, वहाँ से आगे जाना है। कोल्हापुर का हिल स्टेशन है बोलते हैं पन्हाड़ा को, और बुलना भी चाहिए, काफ़ी खूबसूरत है ये। इस शायद यहीं पे है, ओके यहाँ से व्यूइंग पॉइंट है आगे, देखते हैं यहाँ पे किधर गाड़ी खड़ी करने की जगह मिलती है क्या। ओके वहाँ पे बाइक्स है, वहीं पे मैं जाके लगा देता हूँ। गाइस अभी हम पन्हाड़ा गढ़ मतलब किला फोर्ट के अंदर आ चुके हैं, और अभी हमने किसी से बात की, किसी को पूछा कि एग्जैक्टली ये फोर्ट कहाँ पे है, तो उन्होंने कहा कि हम फोर्ट के अंदर है ऑलरेडी। ये एक ही फोर्ट है पूरे महाराष्ट्र में जहाँ पे गाड़ी फोर्ट के अंदर तक आती है। तो अभी हम जहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे कुआं हुआ करता था, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो आप इनके सामने जो देख रहे हो दैट इज अ वेल, अभी भी पानी है यहाँ पे।
थोड़ी देर पहले नीचे थे, यहाँ से ये कुआं है और ये ऊपर का नजारा है। सो गाइस ये व्यू देखिए, जबरदस्त। सो गाइस अभी हम है ना घर से सिर्फ 400 किलोमीटर दूर है और इतने सारे खूबसूरत नज़ारे यहाँ पे। आप सोचिए हम इतनी दूर दूर जाते हैं लेकिन हमारे घर के पास ही कितने सारे अच्छे अच्छे स्पॉट रहते हैं। तो गाइस प्लीज़ एक्सप्लोर कीजिए आपका घर के आसपास का एरिया और उसी के बाद आप दूर जाने की कोशिश कीजिए। गाइस आप ये देख सकते हो, ये जो ऊपर जो कार्विंग्स है ये अरबी में लिखा गया है। तो गाइस अभी ये हम खाना खाने जा रहे हैं बिकॉज बहुत भूख लगी है, तो चलो देखते हैं खाने में क्या है। अभी हम यहाँ पे खाने के लिए आए हैं, यहाँ पे झुमका वाकर बहुत फेमस है। मतलब अफजान भाई ने सुबह मुझे बताया था कि आप यहाँ खाना खाओगे तो यहीं पे खाना अनहाड़ा में, तो अभी हम यहाँ पे आए हैं, हमने झुमका वाकर मंगाई है। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसी दिखती है। सो दिस इज भाकर मीन्स भाकरी, ये झुमका, ये चने के आटे का बनता है। अच्छा यस, दिस इज़ मिर्ची का ठेचा, मतलब हरी मिर्च को कूट कूट के बनाया जाता है। एंड दिस इज़ दही। तो अब मैं खाता हूँ और फिर आपको बताना इसका स्वाद कैसा है। नो डाउट इट विल बी गुड। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जैसे पूरनपोली जो महाराष्ट्र की स्टेपल बोली जाती है, वैसे ही जितनी पूरनपोली फेमस है उतनी ही झुमका भाकरी महाराष्ट्र में फेमस है। तो चलो मैं खाता हूँ फिर आपसे। रियली गुड। भाई सभी हम पनारा से निकल रहे हैं, देखते हैं आसपास में और कुछ है क्या, मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं तो फिर सीधे रूट पे चलेंगे यहाँ से, और रास्ते में कुछ दिखाने लायक हो तो वो भी मैं दिखा दूँगा। तो गाइस अभी निकल रहे हैं पनारा से, अब देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी। मैंने जहाँ पे खाना खाया एकदम शांत जगह थी, जानबूझ के मैंने वो होटल चूज़ किया क्योंकि थोड़ा फुर्सत में आराम से ठंडे दिमाग से खाना खा सकूँ। काफ़ी गाड़ियाँ आ रही है, अभी बहुत ट्रैफिक हो रहा है। सो गाइस हम थोड़ा ऐसे ही आगे आगे आपको दिखाने के लिए और क्या है यहाँ पे। थोड़ा आगे जाते हैं फिर यू टर्न मार के निकल जाएंगे, लेकिन पनारा इज़ वेरी ब्यूटीफुल सर, वेरी ब्यूटीफुल। आप देख सकते हो अपनी आँखों से, बहुत खूबसूरत है ये। आप आके यहाँ पे दो तीन दिन भी रह सकते हो क्योंकि काफ़ी सारे होटल्स हैं यहाँ पे। कितनी सारी जगह हैं महाराष्ट्र में जो हमने अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं की और हम पूरी दुनिया भर घूमते रहते हैं इधर उधर। सो गाइस ये पॉइंट है सजाकोटी, यहाँ से आपको ज़रूर व्यू मिलेगा। तो मैंने किसी को पूछा कि ये एग्जैक्टली क्या है, तो वो मुझे बताया कि यहाँ पर शिवाजी महाराज अपनी मीटिंग वक्त किया करते थे। तो अभी हम आगे जाते हैं, आपको बताता हूँ मैं एग्जैक्टली व्यू कहाँ कैसा है यहाँ से।
गाइस दिस इज़ द व्यू इस पॉइंट से। अभी हम जो गए थे वो ये सामने वाले बिल्डिंग में गए थे। बेहद खूबसूरत है, मतलब प्यार हो गया मुझे पन्नाला से। पहली बार मैं आया हूँ बट दिस इज रियली ब्यूटीफुल। सो गाइस अभी पक्का चल रहे हैं हम लोग डन विद पन्नाला। यहाँ से अभी सीधा होटल चलते हैं और फिर थोड़ा फ्रेश होके आराम करते हैं, देन विल मीट अगेन। अभी किले के अंदर एक सेल्फ सस्टेन टाउनशिप है और यहाँ पे काफ़ी सारे लेक्स कुएं, मतलब पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट है ये। इट वॉज रियली अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एट पन्नाला फोर्ट। तो अभी इसकी मेमोरीज लेके हम घर जा रहे हैं, घर ऐसे अभी कोल्हापुर जा रहे हैं, घर तो टाइम जाएगा। तो गाइस अभी हम कोल्हापुर सिटी पहुंच चुके हैं और यहाँ से हमारा होटल है 1.9 किलोमीटर, 5 से 7 मिनट लगने चाहिए। आज बहुत थक गया, तो जाते हैं रूम पे, फ्रेश होते हैं और आराम करते हैं। अभी 5 बज रहे हैं, 6 बजे तक आराम करेंगे, अब बाद में देखेंगे क्या करना है। वो तो अच्छा है कि हमारा जो होटल है वो थोड़ा बाहर की तरफ है, मतलब यहाँ से आप निकलोगे, ये अभी राइट में हमारा होटल है, ये सीधा जो रोड जाता है ये हाईवे जाता है। तो कल सुबह जब हम निकलेंगे तो ज़्यादा सिटी के गलियों से निकलने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा रोड है। एंड देन विल मीट द NH 48 दैट विल टेक अस टू कर्नाटका गोकर्णा। तो चलो अभी राइट में हमारा होटल है, मैं अभी कैमरा बंद करता हूँ, शाम को शायद से हम मिलेंगे, पता नहीं क्या प्लान है, लेकिन चलो है तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, ऐसे शांति से तो नहीं बैठ सकते। गाइस मैंने आपको बोला था कि शाम को हम फिर से मिलेंगे, तो हम शाम को फिर से मिल रहे हैं। तो वी आर एट हर्ष, एक छोटा सा रेस्टोरेंट है विच इज़ नियर कोल्हापुर रेलवे स्टेशन। तो मैं यहाँ पे आया हूँ किसी के रिकमेंडेशन पे, क्योंकि किसी ने मुझे बोला कि ये खाना यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है। मैंने मंगाया है ये चिकन फ्राई थाली विच इज़ फॉर 180 रुपीज़। तो जो थाली आएगा मैं बताता हूँ कि कैसा थाली दिखता है, और फिर मैं खाने के बाद बताता हूँ ये कैसा टेस्ट है इसका। दिस इज सोल कड़ी, दिस इज अंडा कड़ी, दिस इज तांबड़ा रस्सा, इसको तांबड़ा रस्सा बोलते हैं, तांबड़ा इज बेसिकली रेड, दिस इज पांडरा विच इज वाइट, वाइट रस्सा, दिस इज प्याज, चिकन फ्राई एंड चपाती। तो अब मैं खाता हूँ, आपको बताता हूँ सर स्वाद कैसा। गाइस मैंने रोटी निवाले खाए, दिस इज रियली गुड। कल मैंने रात को खाना खाया था परख में, परख इज़ वन ऑफ दी बेस्ट प्लेस इन कोल्हापुर। अगर आप कोल्हापुर आते हो किसी को भी पूछोगे सबसे अच्छा खाना नॉनवेज कहाँ पे मिलता है, तो कोई बोलेगा परख। तो ये जो थाली है दिस इज़ ए पार्वत परख, मैं ये नहीं बोलूँगा परख से अच्छी है क्योंकि परख इज़ दी बेस्ट, बट परख में ये थाली मिलती है 290 रुपीज़, यहाँ पे मिलती है 180 रुपीज़ में, 110 रुपीज़ का प्राइस। तो इफ यू कंपेयर दैट वे द टेस्ट इज़ रियली गुड, नो डाउट अबाउट इट। बट अगर आप कंपेयर करोगे 110 रुपये का प्राइस है तो मच। सो गाइस खाना हो चुका है, तो मैं आपको बताता हूँ हमने खाना कहाँ पे खाया। दिस इज हर्ष होटल्स, ये एग्जैक्टली BT कॉलेज इसके पास में ही है। तो अगर आप कोल्हापुर आते हो तो BT कॉलेज आप पूछोगे, उसके बाजू में ही नज़दीक ही ये हर्ष होटल है, तो आप यहाँ पे आके खाना खा सकते हो।